हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 7 में चालकता। ये चालकता क्या चीज़ होती है? अपन ने प्रतिरोध देख लिया था, प्रतिरोध के बाद में अपन देखेंगे कि चालकता क्या चीज़ है। ओके, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इसका और आगे क्वेश्चनों में चालकता का काफ़ी यूज होता है, तो करें स्टार्ट इसको। तो चालकता क्या होती है वो देखते हैं कि चालकता के बारे में जानने के लिए अपने को पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या था आपका? आर, धारा के मान में बाधा, थी ना। तो अब चालकता क्या होगी? चालकता होगी, प्रतिरोध क्या कर रहा था? धारा के मान में बाधा ला रहा था। और चालकता क्या होगी कि धारा को क्या कहेगी? जल्दी चल, मतलब धारा के मान में सुग्राहिता क्या कहलाएगी? चालकता कहलाएगी। तो अपन लिख दें कि डेफिनेशन कि धारा के मान में सुगमता या सुग्राहिता ही चालकता कहलाती है। ओके, अब देखते हैं कि एक अपने पास डेफिनेशन और दे लेते हैं अपन। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि प्रतिरोध धारा के मान में बाधा उत्पन्न कर रहा था, चालकता में क्या कर रही थी? धारा जल्दी प्रवाहित हो रही थी। तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध का उल्टा क्रम ही चालकता कहलाती है। अब अपने को क्या करना है कि प्रतिरोध का उल्टा क्रम करना है। और प्रतिरोध का उल्टा क्रम करते कैसे हैं? तो उल्टा क्रम का मतलब होता है कि उसको एक में भाग लगा दो। एक में अपन प्रतिरोध का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी? चालकता मिल जाएगी। और चालकता को किससे डिनोट करते हैं अपन? है जी से डिनोट करते हैं। अब अपन एक बात और देखें कि ये जो चालकता है, ये आर क्या है? प्रतिरोध है। यहां पर ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस माना, तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम। और ओम का सिंबल होता है इस प्रकार का, ये पढ़ा रखा है आपको। तो अब अपन क्या करेंगे कि इस ओम को क्या करना है कि ऊपर की ओर लेके चलना है अपने को। तो अपन ओम को ऊपर लेके चले। इस ओम को जैसे ही ऊपर लेके चलेंगे तो ये अपना मुंह किधर खोल देगा? ऊपर की ओर खोल देगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? महो। और इस चालकता के बारे में बताने वाला एक वैज्ञानिक था, साइमन। तो इसकी इकाई जो होती है, एक साइमन भी होती है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप छाप लें कि कॉपी में नोट कर लें। आगे चलते हैं। इसका एक बार कोई भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन किस प्रकार का होता है वो अभी अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें तो इसका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो देखें एक बार। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि 1/ जो आर है वो चालकता होती है। ओके, तो 1/ आर आपकी चालकता हुई। तो अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध 2 ओम है तो चालकता का मान ज्ञात करो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को दे क्या रखा है कि आर की वैल्यू दे रखी है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 2 ओम दे रखा है। और अपने को निकालनी किसकी वैल्यू है? जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। और कैसे फाइंड करना है इसको देखें कि अपने जो जी फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r। और 1/r की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 2। तो 1/2, 1/2 क्या होगा? 0.5 महो हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया? 0.5 महो। ये तो सिंपल सा टॉपिक था आपका, चालकता जो प्रतिरोध का उल्टा क्रम होता है। इसके बाद में अपन ने एक प्रतिरोध और पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसका उल्टा क्रम भी अभी अपन पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया होगा आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता भी सेम, विशिष्ट सॉरी
ये चालक विशिष्ट चालकता चालकता की तरह ही होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा के द्वारा दिखाते हैं, ये आधा जो नया होता है ये सिग्मा होता है, इसके द्वारा अपने इसको दिखाएंगे। अब ये क्या होता है विशिष्ट चालकता? देखो विशिष्ट चालकता है तो ये क्या करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्रम होगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो अपने को उल्टा क्रम करना है, तो उल्टा क्रम में मैंने आपको एक बात बता रखी है कि कोई सी चीज का उल्टा क्रम करना है उसको एक में भाग लगा दो। तो अपन क्या करेंगे अभी कि एक में भाग लगाएंगे किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसको आप रो के द्वारा दर्शाते हो। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्रम हो गया, इसी को क्या बोलते हैं अपन, चालकता बोलते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया कौन सा, सिग्मा बराबर क्या हो गया, वन अपॉन रो। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ये जो चालकता विशिष्ट चालकता जो है यही अपनी ओम के नियम में वापिस काम में आने वाली है। तो वहीं पर इस चीज का अपन फार्मूला वापिस यूज करेंगे। तो एक बार इसका थोड़ा सूत्र ध्यान से देख लेना। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना वो बना वन अपॉन रो बन गया। तो वन अपॉन रो को क्या बोलते हैं अपन, रो को क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसके अपन विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पढ़ चुके हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है आपकी ओम इंटू मीटर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक देखा था कि जो ये आपका वन अपॉन ओम जो है इसको मैंने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, महो लिखा था। ऊपर लेके जाएंगे क्या बन गया, ये महो बटा में मीटर हो गया। तो इसकी इकाई क्या बन गई, महो पर मीटर। तो ये याद रखें कि विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, महो पर मीटर होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता की इकाई पूछी जा सकती है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से नोट कर लें। ओके अभी अपने एक चीज और देखते हैं कि अपने पास अगर ऐसा कुछ हो कि विशिष्ट प्रतिरोध का अपन ने सूत्र देखा था, तो मैं यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखता हूं रो बराबर है। मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 6 के स्टार्टिंग में रो का फॉर्मूला बताया था। तो क्या फॉर्मूला था, तो रो बराबर क्या था कि आर इंटू ए अपॉन एल फॉर्मूला था ना ये। अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर रो की जगह पुट कर दूं इस रो की वैल्यू, तो अपने पास क्या निकल के आता है, तो देखना कि सिग्मा बराबर वन अपॉन रो का मान क्या है, आर इंटू ए बटा एल। तो ये यहां पर पुट किया तो आर इंटू ए बटा एल, तो ये तीसरी संख्या जो है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, सिग्मा बराबर है एल अपॉन आर इंटू ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ओम के नियम में, मैं वापिस इसको यूज में लूंगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, महो पर मीटर। ओके तो अपन इसका एक विशिष्ट चालकता का न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है। वैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है विशिष्ट चालकता का वो होता है इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर अपने को डायरेक्ट विशिष्ट प्रतिरोध दे दे तो अपने को फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, अगर डायरेक्ट विशिष्ट प्रतिरोध दे देता है। अगर अपने पास लेंथ दे दे, लंबाई दे दे चालक तार की, और प्रतिरोध दे दे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दे, तो उस टाइम अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके अभी अपन इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। तो अभी अपन विशिष्ट चालकता का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 दे रखा है। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की
यूनिट होती है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, रो की वैल्यू हो गई। और अपने को निकालना क्या है इसमें, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। और दे किसकी वैल्यू रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम इंटू मीटर। तो कैसे निकालेंगे, अपने पास फार्मूला था सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ, और 1/ρ की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। तो 1/ρ की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, जैसे ही अपन 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, 10 की पावर 7 अपॉन क्या हो गया, 1.6। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बराबर कितना आ गया आपका, 10 की पावर 6 अपॉन, क्योंकि एक जीरो अपन ने साइड में ले लिया इसका, और 1.6, जैसे पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ गया। जब अपन 100 में 16 का भाग लगाते हैं तो अपने पास जो डाटा निकल के आता है वो आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 6। तो इसकी विशिष्ट चालकता जो होती है, इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी लेक्चर में अपन क्या पढ़े, चालकता और विशिष्ट चालकता को अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ओम का नियम का होगा, और अपन ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं।